हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ चैप्टर 12 ऑफ क्लास 10th, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। इस वीडियो के अंदर मैंने जो टॉपिक कवर किए हैं वो हैं टॉपिक 12.2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, एग्जांपल 12.2 एंड न्यूमेरिकल 3 ऑफ द ब्लू क्वेश्चन। और ब्लू क्वेश्चन के बाकी जो दो क्वेश्चन है वो मैंने इसके डिटेल स्टडी के अंदर ही डिस्कस करे हैं। अच्छा, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो मैं सारी वीडियोस एक्सप्लेन कर रही हूँ ये सारी एनसीईआरटी बेस्ड है। मीन टू से कि मैंने उसी मटेरियल को थोड़ा सा मॉडिफाई करके अपने लैंग्वेज में आपके सामने प्रेजेंट किया है ताकि आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओ। माय नेम इज सरबजीत कौर, वेलकम टू माय चैनल। और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हाट मेक्स द इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो। तो अब हमने आज स्टडी करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, तो उससे पहले हम थोड़ा सा इसके बेसिक्स क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, अभी हमने पहले पीछे देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होता है जो वो क्यों फ्लो करते हैं ना, करंट क्यों फ्लो करता है। करंट फ्लो करता है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स दैट आर इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब फॉर द फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टिंग मेटालिक वायर द ग्रेविटी ऑफ कोर्स हैज नो रोल टू प्ले। देखिए, जो फ्लो ऑफ चार्ज होता है किसी कंडक्टर या किसी मेटालिक वायर के अंदर, उसके अंदर ग्रेविटी का कोई भी रोल नहीं होता है। द इलेक्ट्रॉन्स मूव ओनली इफ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक प्रेशर कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग द कंडक्टर। कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स है किसी कंडक्टर के अंदर, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो तभी मूव करते हैं अगर उस कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक प्रेशर का डिफरेंस होता है। तो इस इलेक्ट्रिक प्रेशर के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इसको पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। तो अगर किसी कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस है तभी उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करेंगे। दिस डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल मे बी प्रोड्यूस्ड। अब हमने ये देखना है कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये आएगा कहाँ से, ठीक है। तो इसको हम किसी बैटरी की हेल्प से, कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रिक सेल्स, कहते हैं ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको हम किसी भी कंडक्टर के अंदर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, बाय कनेक्टिंग अ बैटरी जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा सेल्स होते हैं, राइट। अब ये सेल क्या होता है, सेल ये था, मैंने आपको बताया था कि दिस इज सेल, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है। तो ये जो सेल्स है इसके अंदर होता क्या है, अब इस सेल के अंदर क्या होते हैं, केमिकल्स। अब उन केमिकल्स के एक्शन से क्या होता है कि जो उसके दो टर्मिनल है, जैसे ये प्लस टर्मिनल ये नेगेटिव टर्मिनल, इनके अंदर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, ठीक है। अगर हम इसको किसी सर्किट में नहीं भी करते, अगर कनेक्ट नहीं भी करते तब भी इसके अंदर एक पोटेंशियल डिफरेंस इसके दोनों टर्मिनल के अंदर अप्लाई ऑलरेडी होता ही है। When the cell is connected to a conducting circuit element, कहते हैं अब हमने क्या किया, अब ये एक सेल था, अब ये इस सेल के अंदर क्या हुआ, ऑलरेडी इसके दोनों टर्मिनल्स के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो चुका है। अब हमने इस सेल को उठा के किसी सर्किट के अंदर हमने जोड़ दिया, लगा दिया। The potential difference sets the charge in the motion in the conductor. अब ये जो potential difference था ये क्या करेगा, उस conductor के अंदर जो charge है उसको flow करवाएगा, उसको उसके अंदर movement लेकर आएगा and produces an electric current. और जब charge flow करेगा और उससे क्या create हो जाएगा, electric current. In order to maintain the current in a given electric circuit, the cell has to expend its chemical energy stored in it. तो जैसे हम जितना हम सेल को यूज करेंगे, मतलब कि जितना हम किसी सर्किट के अंदर स्विच को ऑन करेंगे, तो क्या होगा, जो सेल के अंदर जो केमिकल एनर्जी है वो खर्च होगी, ठीक है। तो उसके खर्च होने से, क्योंकि अगर केमिकल एनर्जी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगी तभी तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा ना। तो इसका मतलब है कि जब हम किसी सेल को किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जोड़ते हैं तो उसके अंदर की जो केमिकल एनर्जी है वो खर्च होती है, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे फ्लो करता है। नाउ नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। यदि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है, सपोज कर लो हमारे पास यहाँ पे ना एक पॉइंट है, हमने चार्ज को किसी भी जगह से उठाकर इस पॉइंट तक लेकर आना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ इन्फिनिटी पर एक चार्ज पड़ा हुआ है और इस चार्ज को हमने इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लेकर आना है, ठीक है। तो इस चार्ज को इस इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन होगा, ठीक है, उसको हम कह देंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हम स्टडी करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। वी डिफाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करंट एज अ वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर।
कहते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस किसी दो पॉइंट, फॉर एग्जांपल अब हमारे पास यहाँ पे ना कोई एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, उसके अंदर ये दो पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, चार्ज को इस पॉइंट से उठाकर इस पॉइंट तक लेकर आना है। तो चार्ज को वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन हुआ वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इसको हम वी से डिनोट करते हैं, और ये क्या हो जाएगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। मतलब कि इस चार्ज क्यू को इस पॉइंट तक दो पॉइंट्स के बीच में लाने के लिए जितना वर्क डन हुआ वो हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। अभी पोटेंशियल डिफरेंस को हम वी से डिनोट करते हैं, डब्ल्यू इज द वर्क डन एंड क्यू इज द अमाउंट ऑफ द चार्ज जिसको हमने लेकर आना है, राइट। नाउ यूनिट्स क्या होते हैं, अब इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के यूनिट्स क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के यूनिट क्या होते हैं, वोल्ट। अभी वोल्ट कहाँ से आया, ये एक साइंटिस्ट था अलेक्जेंड्रो वोल्टा इन 1745 टू 1827, वो एक इटालियन फिजिक्स था, उसके नाम पर इसका जो यूनिट्स है वो वोल्ट रखे गए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप है हमारा इस यूनिट को डिफाइन करना, डिफाइन वन वोल्ट। वन वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन ए करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन वन जाउल ऑफ वर्क इज डन टू मूव ए चार्ज ऑफ वन कूलम्ब फ्रॉम वन पॉइंट टू एंड अदर पॉइंट। कहते हैं कि किसी भी सर्किट के अंदर, ऐसा सर्किट जिसके अंदर से ऑलरेडी करंट फ्लो हो रहा है, उसके उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो वन वोल्ट होगा अगर वन जाउल ऑफ एनर्जी यूज हो रही है, मतलब कि वन जाउल ऑफ वर्क डन हो रहा है उस चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में, या दो पॉइंट्स के बीच में उस चार्ज को मूव कराने के लिए, ठीक है। मतलब कि क्या है कि अगर वन कूलम ऑफ चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में वन जाउल ऑफ वर्क डन हो रहा है, तो हम कह देंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, वन वोल्ट। वन वोल्ट इज वन जाउल पर कूलम, ठीक है, वन जाउल डिवाइडेड बाय वन कूलम। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा जाउल डिवाइडेड बाय कूलम, तो वन वोल्ट क्या हो गया, वन जाउल पर कूलम। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वन वोल्ट। अब इसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर हमने किन किन बातों का ध्यान में रखना है, द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय मींस ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द वोल्टमीटर। कहता है अब ये जो किसी सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, इसको हम किस, कैसे हमें पता चलेगा कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस इसके अंदर है, तो इसको मेजर करते हैं हम एक इंस्ट्रूमेंट से, और उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, वोल्टमीटर। पोटेंशियल डिफरेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। A voltmeter is a high resistance device and is always connected in parallel in a circuit. कहते हैं ये जो voltmeter होता है ना, ये high resistance देता है current को, इसलिए इसको हमेशा किस में लगाते हैं, इसको हमेशा parallel में join किया जाता है किसी भी circuit के अंदर। तो इसके बाद हम इसका एक numerical solve करते हैं, तो ये NCERT book के अंदर example 12.2 है। How much work is done in moving a charge of 2 coulomb across 2 points having a potential difference 12 volt? अब हम जब भी किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं ना, तो उसको जो स्टार्टिंग से हम स्टार्ट करते हैं, जो दिया होता है ना वो लिख लेते हैं। तो हाउ मच वर्क इज डन, मतलब कि इसके अंदर हमने W की वैल्यू को निकालना है, ठीक है। अब हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम्ब, चार्ज मतलब कि क्यू, क्यू कितना दे रखा है हमारे पास 2 कूलम्ब, अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। अब उस सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया गया है, दैट इज 12 वोल्ट, ठीक है। अब हमें इसका फॉर्मूला तो पता चल चुका है ना, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। अब हमने निकालना क्या है, हमें इस W की वैल्यू निकालनी है, तो हम इस W की वैल्यू को यहां से निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा W इज इक्वल टू वी क्यू, राइट। अब हमारे पास W, अब हम क्या करेंगे, V और Q की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा W इज इक्वल टू V इज 12 एंड Q इज इक्वल टू 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 24 जूल, राइट। तो कितना वर्क डन करना पड़ा हमें 2 कूलम ऑफ चार्ज को मूव करने में, 24 जूल। तो इसके बाद हम एक और न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए 6 वोल्ट बैटरी। कहते हैं अब हमने क्या निकालनी है, एनर्जी, एनर्जी मतलब कि एनर्जी ई, ठीक है, गिवन टू ईच कूलम, ईच कूलम मतलब कि जो क्यू की वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, 1 कूलम, पासिंग थ्रू ए 6 वोल्ट बैटरी, मतलब कि वोल्टेज कितनी दे रखी है, 6 वोल्ट, ठीक है। अब जो एनर्जी, जितनी एनर्जी हम देंगे हम उतना ही वर्क डन होगा, तो इसलिए एनर्जी और वर्क दोनों क्या होते हैं, इक्वल, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको V इज इक्वल टू W क्यू अपॉन क्यू में से अगेन W की वैल्यू को निकालेंगे,
वो कितनी आ जाएगी, v इंटू क्यू, ठीक है। तो हमारे पास आ गया w इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाय 1, दैट इज इक्वल टू 6 जूल, राइट। अब वर्क डन 6 जूल आ गया, इसका मतलब एनर्जी भी कितनी यूज होगी, एनर्जी भी हमारी कितनी यूज हो जाएगी, 6 जूल ऑफ एनर्जी। तो कितनी एनर्जी यूज हुई एक कूलम ऑफ चार्ज को, जिसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई किया गया है, 6 वोल्ट बैटरी, दैट विल बी 6 जूल। होप आपको ये सारे जो न्यूमेरिकल्स हैं और जो कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया है। अगर फिर भी आपको इसमें कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू सो मच।